الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس ببكة مباركا وهدى وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مأذن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام معزز ومحتشم سامعین کرام و حضرات گرامی آج خطاب جمعۃ مبارکہ عنوان زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ اس حوالے سے قرآن و سنت کے عظیم گلشن سے چند مہکتے پھول آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل اور مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اس آیت کریمہ میں اس بات کو واضح کیا گیا زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اب تمہارا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ تمہارا قبلہ کعبہ شریف مقرر ہو گیا تو اس وقت یہودی مسلمانوں سے الجھنے لگے تو کچھ یہودی یہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم تم سے افضل اور برتر ہیں جب ہم تم سے افضل اور برتر ہیں تو ہمارا قبلہ وہ منتخب کیا گیا جو کعبہ سے افضل ہے اس طریقے سے وہ لبکشا ہونے لگے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس جو ہے یہ کعبہ شریف سے افضل اور برتر ہے اب یہ بات بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچی اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کو نادل فرما دیا اور اس بات سے آگاہ کیا کہ نہیں بلکہ
जमीन पर जो सबसे अफजल और पहला जो इबादत खाना है वो काबा शरीफ है, और वही अफजल है और वही अव्वल नंबर है। जबकि यहूदियों का कहना था कि अफजल बैतुल मक़दिस है, और उनकी दलील ये थी कि कसीर अंबिया किराम ने बैतुल मक़दिस की जानिब रुख कर नमाज़ें अदा की, और अंबिया किराम ने अपने मसाकिन और अपने वतनों और देशों को छोड़कर बैतुल मक़दिस की जानिब हिजरत फरमाई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे कर दिया कि तुम भी इस बात के मुद्दई हो कि तुम्हारा रब मैं हूं, और मेरे महबूब के गुलामान इस बात के मुद्दईयान है कि मैं उनका रब हूं। तो याद रखो, रब इस बात से तुम्हें आगाह और मुतनब्बे कर रहा है कि अफजल जब बात होगी तो वो भी काबा है, और जब अव्वल की बात होगी तो वो भी काबा है। तो अब काबा शरीफ जो है ये दर हकीकत किबला अव्वल है, और याद रखिएगा काबा शरीफ जो किबला अव्वल है वो इस अंदाज में है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक नहीं फरमाई थी, आपकी तखलीक से कबल, और रिवायतों के अंदर मजबूर है 2000 साल पहले की बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया जमीन पर मेरे घर को तामीर करो, और वो जो जमीन पर घर तामीर हुआ था वो काबा शरीफ था। अब वो काबा शरीफ कब तामीर हुआ? आदम अलैहिस्सलाम के अभी तखलीक नहीं हुई थी, आपकी तखलीक से 2000 बरस कबल जो है काबा शरीफ को तामीर कर दिया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई तो आपकी तखलीक के बाद आपने फिर से काबा को तामीर किया असर नौ। इसका मतलब यह हुआ कि जब फरिश्तों की बात आती है तो फरिश्तों ने सबसे पहले काबा को तामीर किया जमीर पर, और जब नौए इंसानियत की बात आती है तो सबसे पहले हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने काबा को जमीन पर तामीर किया। और कुरान ने वादे कर दिया इन्ना अव्वला बैत, जो पहला घर है वो काबा शरीफ है। अब जमीन पर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर फरमा दी, हज भी होता और इबादत भी उस जानिब होती। इसका मतलब यह हुआ कि अव्वल किबला काबा था, फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद कुछ अरसे के लिए, अगरचे उसका दौरानिया भी बड़ा तवील था, उसका दौरानिया भी तवील था, फिर किबला बैतुल मक़दिस से बन गया। और फिर इसके बाद मेरे आका ने सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश और तमन्ना पर फिर किबला जो बनाया गया वो काबा शरीफ बना दिया गया। अब हजरत सैयदना आदम अलैहि सलाम ने काबे की तामीर फरमा दी, हज भी किया जाता और उसके अलावा नमाजें भी उस जमाने में पढ़ी जाती, अगरचे उसकी कैफियत अलग थी लेकिन बहरहाल नमाज जरूर थी। इसी तरीके से दिगर इबादतों में भी जो रुख और जेहत का तायुन किया गया था वो काबा शरीफ था। हजरत सैयदना आदम अलैहि सलाम ने काबा शरीफ को बना दिया और जेहत किबला काबा मुतय्यन हो चुका। इसके बाद आपकी औलाद से किसी ने बैतुल मक़दिस की तामीर फरमाई, मतलब क्या हुआ? काबा शरीफ पहला घर है, और फिर इसके बाद रूए जमीन पर जो दूसरा इबादत खाना बनाया गया वो मस्जिद अक्सा है, ये दूसरा नंबर। तो पहला नंबर काबा शरीफ का हो गया, और सेकंड नंबर जो है मस्जिद अक्सा का हुआ। अब इन दोनों के दरमियान दौरानिया कितना था, इस हवाले से रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत सैयदना अबू दर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत अलैहि सलात व सलाम में
अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहला घर जो जमीन पर इबादत के लिए बनाया गया मेरे आका ने फरमाया काबा है। फरमाया दूसरा घर कौन सा है? फरमाया वो मस्जिद अक्सा है। अब सवाल किया दोनों के दरमियान दौरानिया कितना था? मेरे आका ने फरमाया 40 बरस का था। इसका मतलब यह हुआ काबा शरीफ पहले तामीर हुआ, फिर 40 बरस के बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। ये हदीस मुबारका से वाजे हो गया, गोया ये मसला के अव्वले बैत पहला जो घर है ये हदीस ने भी वादे कर दिया और कुरान ने भी वादे कर दिया वो काबा शरीफ है। जिसका मतलब ये है कि कुरान इस बात को वादे करना चाहता है, यहूदियों का जो नजरिया और सोच है वो बातिल है, मुसलमानों की जो सोच है वो हक्कानियत और हक पर मबनी है। इस बात को कुरान ने भी और हदीस ने भी वादे किया। अच्छा, अब ये जो पहला घर था ये तामीर कहां हुआ, उस इलाके का नाम क्या है? अब जुग्राफिया एतबार से बातें पेश करना चाहता हूं। ये बात तो ध्यान में रखिएगा, आज जो अर्दियात के माहिर हैं और जुग्राफियाई एतबार से जो माहिर हैं वो इस बात को कहते हैं कि काबा शरीफ जमीन के सेंटर में है, और जो फरिश्तों का किबला था आसमानों पर वो उसकी बिल्कुल सिमत में है। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स किसी चीज को बैतुल मामूर जो फरिश्तों का किबला है वहां से अगर गिराए और वो दाएं बाएं ना हो, बिल्कुल बराबर सिमत में जाते हुए नीचे गिरे तो वो काबा की छत पर गिरेगा। इसका मतलब यह है कि फरिश्तों का जो किबला बैतुल मामूर है वो भी सेंटर में है, और फिर इसके बाद जो इंसानों का किबला है और जो दर हकीकत किबला अव्वल है वो भी कहा है सेंटर में है। अच्छा, अब ये बात तो वादे हो गई कि सेंटर में है, दूसरी बात यह है कि उस इलाके का नाम किया है। उस इलाके को हम कहते हैं मक्कतुल मुकर्रमा। मक्का तो शहर है, अब उस शहर के अंदर एक मखसूस मकाम है, उस मकाम पर चार दीवारियां बनी हुई है, उसके ऊपर छत है, हम उसको कहते हैं काबा है, उसका इसमें ग्रामी काबा रखा गया। लेकिन उस इलाके का नाम जो रखा गया है वो मक्का है। लेकिन आप कुरान का मुताला करें सूरह आले इमरान का, तो सूरह आले इमरान क्या कहती है? कहती जो अव्वले बैत है ना बक्का, वो बक्का में है। अब हम क्या कहते हैं? मक्का मीम के साथ, और कुरान कहता है बक्का यानी बाग के साथ। अब हमारा कहना जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो अलहदा है, और कुरान जो लफ्ज इस्तेमाल करता है वो अलहदा है। हम कहते हैं मक्का, कुरान कहता है बक्का। अब देखिए दोनों में फर्क है, हम मीम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और कुरान बाग के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आइमा तफासे ने लिखा अल बक्का ही अल मक्का, जिसका मतलब यह है जो हमारे उर्फ में मक्का कहलाता है इसका दूसरा नाम बक्का है। तो अव्वल नाम मक्का है और दूसरा नाम बक्का है, और दोनों से मुराद एक ही है। तो अब आप मक्का कहें या फिर बक्का कहे, मक्का कहे ये भी ऐने इस्लाम है, और अगर बक्का कहे तो ये भी ऐने कुरान है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और एक और बात बताना चाह रहा हूं जो काबिले तवज्जो है, इस बात को बगौर समाज करें, बक्का और मक्का एक ही चीज है, लेकिन बक्का का माना क्या है? अब लुगत का मुताला करें, मैं आज एक लुगत देख रहा था इसलिए कि देखो कि लफ्ज बक्का का माना क्या है, लुगत इसका माना क्या बयान करती है। तो मैंने देखा इसका माना है गर्दन को तोड़ना। बक्का का माना गर्दन को तोड़ना। अब माना बजाहिर समझ में नहीं आया कि मक्का का दूसरा नाम बक्का है और बक्का उसको कहते हैं जो गर्दन को तोड़ देता है। तो फिर एक सहाबी का कौल मैंने पढ़ा जो तफासिर के अंदर मशहूर है, और वो सहाबी कौन है?
वो है नवासा सिद्दीक अबू बकर, लखते जिगर अदरते सैयदना जुबैर बिन अव्वाम, और बांजे हैं अदरते आयशा के, और इसमें ग्रामी है अदरते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। अदरते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से सवाल हुआ, हम मक्का कहते हैं, कुरान बक्का कहता है, तो कुरान इसे बक्का क्यों कहता है? कहा बात यह है, ये शहर इतना अजीम है और इसके अंदर काबे की इमारत मौजूद है। याद रखना, जो इसके साथ बुरा चाहता है रब उसको तबाह बर्बाद कर देता है, रब जो है उसे तबाह और बर्बाद कर देता है, गोया उसकी गर्दन को तोड़ दिया जाता है। यही तो वजह थी कि अहले मक्का सहमे हुए हैं। अबरा ने ऐलान कर दिया कि काबा शरीफ को मैं मुनहदिम कर दूंगा। अहले मक्का सोचने लगे इनसे कौन लड़ेगा, ये तो बड़े पावरफुल हैं और सुपर पावर हैं और ताकतवर हैं। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को पूछा गया, आप क्या कह रहे हैं? फरमाया मैं तो गार में जाकर इबादत कर रहा हूँ। लोगों ने कहा आप मुतवल्ली हैं काबा शरीफ का, आपको फिक्र नहीं है? तो आपने जवाब दिया, काबा मेरे रब का है, वो इसका मालिक है और ये उसका घर है, तो वही उस घर की हिफाजत करेगा। ये है बक्का का तसव्वुर। वो बक्का का तसव्वुर समझ रहे थे, बक्का का तसव्वुर समझ रहे थे कि उस घर का मालिक अल्लाह है और वो उस घर की हिफाजत करेगा। जब उस घर का मालिक अल्लाह है और वो हिफाजत करेगा तो बड़ी ताकत थी। अहले मक्का सहमे हुए थे, उन्हें पता था हम इनसे लड़ नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या, जब वो कुव्वत और ताकत के साथ और अपनी शान और जोबन के साथ आया तो रब्बे जलील ने बड़ी बड़ी ताकतों को छोटी छोटी कंकरियों के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया। अबरा का लश्कर तबाह बर्बाद हो गया और रब्बे जलील ने काबा शरीफ की हिफाजत फरमाए, इसलिए कि कुरान कहता है बि बक्का, इसका मतलब यह है जो काबा के मुकाबले पर आएगा और उसे नेस और नाबूद करने का बुरा इरादा रखता है तो फिर रब काबा की हिफाजत इस अंदाज में करेगा कि उसे तेस और नेस कर देगा, तबाह और बर्बाद कर देगा, सफाई हस्ती से उसके नाम को मिटा देगा। इसलिए कि काबा की शान यह है, जो आंखें दिखाए उसकी आंखें निकाल दी जाए, जो हाथ उठाए उसके हाथों को तोड़ दिया जाए। ये शान है और ये फलसफा मैं कुरान ही पेश कर रहा हूं। कुरान ने ये फलसफा पेश कर दिया, इसलिए कि उसे बक्का कहा गया और बक्के का तसव्वुर जो सहाबी ने पेश कर दिया, मैंने उसकी तर्जुमानी जो कौले सहाबी थी आपके सामने पेश कर दी। मजीद हम आगे बढ़ते हैं। मक्का शरीफ में काबा शरीफ तामीर हो गया, अब उसकी फजीलत क्या है? इस हवाले से मैं एक हदीस से मुबारका आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं और हदीस आप सुनेंगे तो उसके अंदर हमारे लिए जहां कसीर नसाहे हैं, नसीहतें हैं, तो वहां उस हदीस के अंदर ये समझे कि एक अमल की तरगीब भी नजर आती है और उसमें हमारा ईमान भी ताजा होता है। और हदीस मुबारका के रावी जो के सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हजरत सैयदना अनस बिन मालिक की जात बबरकत है। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक इरशाद फरमा रहे, काबिले तवज्जो रिवायत पेश कर रहा हूं, बात अभी मैं आपके सामने बात जमात नमाज की नहीं कर रहा बल्कि हदीस सुनकर आपको हैरानगी होगी। मेरे आका ने फरमाया जो शख्स अपने घर में नमाज पढ़ता है तो वो जो सलात है वो सलात है, जिसका मतलब यह है उसने एक नमाज अदा की, उसने एक नमाज अदा की। अब इस हदीस का मतलब यह हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स फजर की नमाज घर में अदा करे, तवज्जो रखिएगा, घर में अदा करता है और जमात के साथ मैं बात नहीं कर रहा, घर में अदा करता है और कोई उधर भी नहीं, हाँ अगर कोई उधर है, कोई लाचारी बेबसी है कि किसी वजह से वो पहुंच नहीं पाया मस्जिद में, तो ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो शख्स अपनी सुस्ती काहिली की बिना पर घर में नमाज पढ़े
तो मेरे आका ने फरमाया वो जो एक नमाज पढ़ी जब रब अजर देने लगता है तो एक नमाज का अजर देता है। इसका मतलब फजर के दो फर्द घर में पढ़े तो दो फर्ज का अजर सवाब जो है बनता है वो दे दिया जाएगा। लेकिन अब मेरे आका आगे क्या फरमाते सुनिए। मेरे आका ने सलात व सलाम ने साथ फरमाया अगर वो अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करे, महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करे तो उसे अब अजर वो नहीं मिलेगा बल्कि रब जो है 25 गुना अजर में इजाफा फरमा देगा। अब जरा गौर करें, यह जमात की बात नहीं हो रही, जमात की फजीलत अलग है। जो आपने हदीस मुबारका में पढ़ी है ना 27 दर्जा अजर व सवाब है वो अलग बात है। मैं उस अजर व सवाब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको कंपेयर करवाना चाह रहा हूं। घर में नमाज पढ़ो अजर अलग है, मस्जिद में पढ़ो अजर अलग है। नमाज वही है, फजर थी, जोहर थी, असर थी, मगरिब थी, इशा थी। घर में पढ़ो तो मेरे आका ने फरमाया जोहर पढ़ा एक जोहर का सवाब मिल गया, असर पढ़ी एक असर का सवाब मिल गया। लेकिन जब मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे तो 25 गुना अजर सवाब बढ़ जाएगा। पता चला मस्जिद में अगर जमात ना भी मिले फिर भी ज्यादा अजर कहां मिलेगा, मस्जिद में पढ़कर मिलेगा। मस्जिद में अब जमात चले गए हम क्या सोचते, चलो घर में पढ़ लें। जमात चले गए हम सोचते चलो अपनी दुकान में पढ़ लेते, अपने गोदाम में पढ़। नहीं, ज्यादा अगर अजर चाहिए आपकी मर्जी है। जमात तो निकल गई, अब आप पर वाजिब नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता लेकिन बात अजर व सवाब की आ रही है तो अजर व सवाब की जब बात की जाए तो मेरे आका ने वादे कर दिया सिर्फ जो है घर में नमाज पढ़ी फजर की एक नमाज पढ़ी एक नमाज का सवाब, मस्जिद में आकर पढ़ी 25 नमाज का सवाब। 25 नमाज का कितना अजर व सवाब में इजाफा हो गया 25। अब जब जमात से पढ़ेगा वो अजर व सवाब अलैदा है। सिर्फ जगह की बात है इसलिए कि वो पहले मेरा घर था या मेरी दुकान या गोदाम या फोल्डिंग थी या मेरा कारखाना था, अब क्या है खाना खुदा है। तो जब घर में पड़े अजर अलग है और खाना खुदा में पड़े तो अजर व सवाब अलग है, 25 गुना अजर व सवाब बढ़ गया। लेकिन आपको हैरानगी इस बात पर होनी चाहिए कि मेरे आका ने उस मस्जिद की बात की है जो मस्जिद में जिस मस्जिद में जुमा नहीं होता, ये उस मस्जिद की बात है। हमारी बदामी मस्जिद में तो जुमा होता है, आप जुमा पढ़ने तो आए हैं। ये उस मस्जिद की बात है जिस मस्जिद में जुमा नहीं होता। अब जाहिर बात है उस जमाने में शहरों की आबादियां बड़ी कलील हुआ करती थी। एक दौर था जमाने कदीम में पूरे शहर में एक जामे मस्जिद होती थी और छोटी छोटी मसाजिद तो हर गली में नजर आती, हर महले में नजर आती, लेकिन नमाज जुमा वहां नहीं होती थी, सिर्फ एक मस्जिद में होती। अब जाहिर बात है जब शहर छोटा था तो जो जामे मस्जिद है उसमें सारे नमाजी भी आ जाते हैं। अब उस जमाने में शहर की आबादी कितनी, 50,000, 60,000, 70,000। अब इसके बाद क्या हुआ, शहर की जामे मस्जिद एक से दो हो गई, आबादियां बढ़ गई ना। अब एक जो जामे मस्जिद थी उसके अंदर जो है नमाजी पूरे नहीं आते थे नमाज जुमा के लिए, एक और जामे मस्जिद बन गई। लेकिन उसी शहर में दसियों मसाजिद थी जिसमें नमाज जुमा नहीं होता। फिर इसके बाद और सिलसिला बढ़ा, तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, छह हो गए। अब आपको पता है कराची शहर में अब हर मस्जिद में जुमा हो रहा है। तो मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम उस जमाने के एतबार से बता रहे कि जब हर महल्ले में मस्जिद हुआ करती थी लेकिन उसमें नमाज जुमा अदा नहीं होती, नमाज जुमा शहर की एक बड़ी जामे मस्जिद में हुआ करती, सारा शहर उसमें जमा हो जाता और उस शहर का जो गवर्नर होता, जो आमिल होता, वो नमाज जुमा की इमामत करता। ये बात ध्यान में रखेगा क्योंकि उस जमाने में जो हमारे हाकिम थे वो हाफिज कुरान भी हुआ करते थे। उस जमाने में जो हमारे हाकिम होते वो दीन और शरीयत को जानने वाले होते। और आजकल के आपको पता है एंकर क्या कह रहे हैं, जब इनके तज्जिये सुनते हैं तो हमें इनकी अकलों पर अफसोस होता है। कहता है ये मौलवी लोग हैं, इन्हें सियासत करने की जरूरत नहीं,
मेरे बताएं मौलवियों को दीन सिखलाने वाले मेरे मुस्तफा है। मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले सियासत करके ये बता दिया, ए मजहब के चाहने वालों सियासत से दूर नहीं होना वरना ये कब्जा कर लेंगे। और हो यही गया, हमारे मजहबी तबका दूर हुआ, जालिम आ गए, करप्शन फैल गया। मेरे आका ने सियासत की, सिद्दीक अबू बकर ने भी की, उम्र फारूक ने भी की, उस्मान गनी ने भी की, अली शेर खुदा ने भी की और हजरत सैयदना इमाम हसन ने भी की, सब ने सियासत की। तो सियासत असल मौलवियों का काम था। मौलवियों ने समझा कि तुम जो है आस्थानों में चले जाओ। अब जब ये आस्थानों में चले गए तो करप्ट लोग आगे आ गए। आप मुझे बताएं 70 साल में पाकिस्तान को इन हाकिमों ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो याद रखिएगा, असल जो सियासत थी वो मौलवियों की थी, इसलिए कि मेरे आका ने सबसे पहले सियासत करके बता दिया कि देखो मजहब को फैलाने वाला नबी मैं हूं, तो जो मेरे चाहने वाले मेरी शरीयत पर अमल करने वाले हैं वही मेरे नाइबीन हैं और वही हाकिम है, वही हाकिम। तो वो जो हाकिम होता ना नमाज जुमा की इमामत करता, और वो हाफिज कुरान भी होता, दीनदार भी होता, मसाइल भी आते, लोग मसाइल भी पूछते, वो मसाइल के जवाब भी देता और जुम्मे को मिंबर पर बैठकर खुतबा भी देता। लेकिन फिर दौर चेंज होता गया और हम जवाल और पस्ती की तरफ भी गए। एक वजह तो ये है और दूसरी वजह पॉपुलेशन की कसरत हो गई। अब क्या हुआ, शहर में एक मस्जिद नहीं बल्कि 10 मस्जिद मौजूद है जहां नमाज जुमा होती है। तो मेरे आका ने फजीलत उसकी बयान की जहां नमाज जुमा नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ, जिस मस्जिद में नमाज जुमा हो वहां कितना अजर मिले? अब ये भी तो गौर है ना, जारी बात है, जिस मस्जिद में नमाज जुमा होती है उसको कहते हैं जामे मस्जिद। अब हमारे यहाँ तो हर जामे मस्जिद है, बदामी मस्जिद जामे मस्जिद है, खजूरी मस्जिद जामे मस्जिद है, मदीना मस्जिद जामे मस्जिद है, इसलिए कि जामे मस्जिद की तारीफ यही है कि जहां जुमा होता हो, इसलिए कि जुमा और जामे लफ्ज एक ही है, लफ्ज एक ही है। तो जामे मस्जिद कहा ही उसी को जाता है जहां जुमा होता है। अब आज के दौर में हर मस्जिद में जुमा हो रहा है, तो अब उस मस्जिद की फजीलत बयान की जा रही है जिसमें जुमा ना हो तो उसे 25 गुना अजर मिलता है। लेकिन जिस मस्जिद में जुमा हो, मेरे आका ने फरमाया वहां अजर व सवाब की बात पूछते हो, मैं बताता हूं वहां अजर व सवाब मिलेगा 500 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई आज फजर की नमाज घर में पढ़ता है सुस्ती काहली की बिना पर और दूसरा शख्स फजर की नमाज मस्जिद में आकर अदा करता है, जमात की बात नहीं कर रहा, और जाहिर बात है यहां मस्जिद कौन सी, जामे मस्जिद है, तो गोया 500 नमाज फजर का सवाब मिलेगा। जो जिसने घर में पढ़ा उसे एक नमाज फजर का सवाब, और जिसने मस्जिद में पढ़ा उसे 500 नमाज फजर का सवाब मिलता। अब देखे कितना अजर सवाब बढ़ गया। फिर इसके बाद मेरे आका बयान, क्योंकि ये हमारा उनवान नहीं लेकिन हदीस से तो मैं आपके सामने तफसील पेश कर रहा हूं, वजाहत पेश कर रहा हूं, जो सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, 1413 हदीस नंबर है, हजरत अनस बिन मालिक इसके रावी है। अब मेरे आका फरमाते हैं मस्जिद अक्सा की बात करने लगे कि मस्जिद अक्सा में कितना अजर सवाब, फरमाया घर में पढ़ो तो एक नमाज का सवाब, मस्जिद अक्सा में पढ़ोगे तो 1000 नमाजों का सवाब मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने घर में नमाज पढ़ी नमाज जहर तो एक नमाज का सवाब मिला, लेकिन अगर आप मस्जिद अक्सा जो हमारा किबला है बैतुल मक़दिस उसमें नमाज पढ़ेंगे तो 1000 नमाजों का सवाब मिलेगा। यहां जमात की बात नहीं हो रही, मैं बार बार कह रहा हूं जमात की बात नहीं हो रही, जमात अलग चीज है, उसका अजर सवाब 27 गुना अलग है। सिर्फ बात ये कर रहा हूं घर और मस्जिद के दरमियान कंपेयर कर रहा हूं, घर कहां और मस्जिद कहां। घर खाना खुदा नहीं कहलाता, मस्जिद खाना खुदा कहलाता है। अब जो खाना खुदा कराची हैदराबाद पाकिस्तान में हो उन सबसे अफजल और बर्तर कौन सा है, मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दिस है। तो घर में पढ़ो तो एक नमाज कहलाए अजर व सवाब के एतबार से, लेकिन अगर मस्जिद अक्सा में पढ़ो तो 1000 नमाजों का सवाब मिलेगा। अच्छा फिर इसके बाद मस्जिद नबवी की बात आ गई, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
कि अब अगर कोई मस्जिद नबवी में पड़ेगा तो उसे कितना अजर सवाब? फरमाया 50,000 नमाजों का। अगर आज कोई शख्स मदीने तैबा में है और फिर होटल में नमाज पढ़ता है तो फिर अफसोस होगा, होटल में क्यों पढ़ता है? हाँ, इमाम का मसला अपनी जगह पर है, मैं जमात की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि अगर इमाम सहीउल अकीदा है तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, खा वो काबे के अंदर पढ़ा रहा हो या बदामी मस्जिद में पढ़ा रहा हो। लेकिन अगर बदबख्त हो और वो बदबख्त अगर किसी मस्जिद में पढ़ाए, हम नहीं पढ़ेंगे, घर में पढ़ाए नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद नबवी में पढ़ाए या काबा शरीफ में पढ़ाए, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखेगा, ये मसला अपनी जगह पर है। इसलिए कि बाद लोग ये कहने लग गए कि तुम काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो। मैंने कहा काबे का इमाम तो सिया भी रहा है, तारीख उठाइए, जो सैयदना सिद्दीक अबू बकर को गाली बकने वाले थे, उम्र फारूक को गालियां बकने वाले थे, उस्मान गनी को गालियां बकने वाले थे, जिनका अकीदा ये था ये सहाबा तो दूर की बात है, ये मुसलमान भी नहीं है, वो भी काबे में बैठकर मस्जिद में बैठकर इमामत करता रहा है। तारीख का मुताला करें तो क्या हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे जो हमारे अबू बकर को गाली बके? क्या हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे जो उम्र फारूक को गाली बके? क्या हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे जो उस्मान गनी को गाली बके? तारीख का मुताला कर लीजिए, ये मौजूद है, हवाले में दूंगा अगर कोई चाहता है। मैंने इस पर कहीं हवाले नोट किए हैं और इस बात को वादे कर सकता हूं कि काबे में इमामत करने वाला खटमल भी रहा है, मस्जिद नबवी में इमामत करने वाला खटमल भी रहा है। और मैं आपको पूछता हूं, ये हज्जाज बिन यूसुफ भी तो था ना, वो भी तो इमामत करता था, जिसके मुतालिक कहा कि सारे जालिम को जमा कर दिया जाए तो सबसे बड़ा जो जालिम निकलेगा वो हज्जाज बिन यूसुफ है, उसने भी इमामत की है। तो क्या हम उसके पीछे नमाज पढ़े, हम जालिमों के पीछे पढ़ने लग जाए? नहीं, अब बात जमात की नहीं कर रहा, बात नमाज पढ़ने की कर रहा हूं। मेरे आका ने यह जमात की बात नहीं की, मेरे आका ने सिर्फ ये फरमाया घर में पढ़े मस्जिद में पढ़े, तो कंपेयर करवा रहे, फर्क बता रहे। तो अब एक शख्स जो है घर में नमाज पढ़े तो उसे एक नमाज का सवाब मिलता है, और अगर मस्जिद नबवी में पढ़े तो तेरी अजमतों को सलाम, तुझे ये शर्फ मिल गया, मेरे आका ने फरमा दिया 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुस्ती और काहली की बिना पर उजर वालों माजूर लोगों की बात नहीं कर रहा, जो लाचार बेबस है, कोई मजबूरी है जा नहीं सकते, अब सुस्ती थी काहली थी गफलत थी, मदीने तैबा में गया होटल में जाकर नमाज पढ़ता है, तो मैं उसे ये कहूंगा जा मस्जिद में, मस्जिद नबवी में जाकर नमाज अदा कर, इसलिए कि जब तू मस्जिद नबवी में जाकर नमाज अदा करेगा तो फिर तुझे 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा, 50,000। अब फिर मेरे आका काबा शरीफ के बारे में बताने लगे। सुनन इब्ने माजा की रिवायत, मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब अगर कोई शख्स काबा शरीफ में नमाज पढ़ता है, अब काबे से मुराद ये बात ध्यान में रखेगा मुकम्मल हुदूद हरम है, और हुदूद हरम बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। ये जो आपकी मस्जिद हराम बनी हुई है ये तो समझे हुदूद हरम का एक कोना होगा, एक साइड है। हुदूद हरम जो उमरे के लिए गए हज के लिए गए, आपको पता होगा कि हुदूद हरम कितना पहले से शुरू हो जाता है, और जब वहां पहुंच गए अब फिर उमरा करना है तो हम उमरे का एहराम मस्जिद आयशा से बांधते हैं। अब ये मस्जिद आयशा और काबा शरीफ के दरमियान एक तवील मुसाफत है, और मस्जिद आयशा पर आप देखें लिखा हुआ है यहां तक हुदूद हरम है, इसका मतलब हरम की हुदूद बहुत बड़ी है। अब इस हरम की हुदूद के अंदर और बिलखुसूस मस्जिद हराम के अंदर अगर वो नमाज अदा करेगा तो मेरे आका ने फरमाया उसे लाख गुना अजर व सवाब मिलेगा, लाख गुना। अब पूरी हुदूद हरम में पड़े अजर व सवाब है, फिर मस्जिद हराम में पड़े तो और अजर व सवाब है, और मेरे आका ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो मस्जिद हराम का किया है। अब अगर मस्जिद हराम मुराद है तो मस्जिद हराम में आकर वो नमाज अदा करेगा तो फिर घर में अदा करेगा, उस पर जो अजर मिलेगा उससे कहीं गुना ज्यादा मस्जिद हराम में अजर व सवाब मिलेगा।
लेकिन जमात की बात नहीं हो रही। बार बार तंबीह कर रहा हूं, अगर मस्जिद में नमाज पढ़े तो इतना आ जाए। अब यहूदियों का सवाल, फिर से आप आ जाए यहूदियों का सवाल, और यहूदी कहने लगे कि नहीं, मस्जिद अक्सा अफजल है, बैतुल मक़दिस अफजल है, और तुम हमसे निचले तबके के हो, हमारे लिए ये चुना गया, तुम्हारे लिए काबा चुना गया। तो कुरान ने भी वादे कर दिया कि काबा अफजल है और अव्वले घर है, और मेरे आका ने भी वादे कर दिया कि काबा अफजल है और अव्वले घर है, और मेरे आका ने तो बता दिया मस्जिद हराम में जितना अजर सवाब मिलता है, कसम खुदा की किसी और मकाम पर इतना अजर सवाब मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। ये बात ध्यान में रखेगा। यहां एक और बात बताना चाह रहा हूं, काबिले तवज्जो। बाद लोग आपको पता है उनके नजदीक सिर्फ मुट्ठी भर लोग मुसलमान हैं। अगर उनकी गिनती हम करने लग जाए तो सारे के सारे काफिर और मुशरिक हो जाएंगे। तादाद क्या बच जाएगी पता आपको? फिर ये तादाद हजारों लाखों में रह जाएगी। बस अब एक सर फिराता है, मुझे मिला, हर बात में कुफर और शिर्क का फतवा लगा, कहता ये कुफर है ये शिर्क है, ये कुफर है ये शिर्क है। मैंने कहा मशीन लगी हुई है क्या कि इतने कुफर के फतवे लगा रहे हो, इतने शिर्क के फतवे लगा रहे हो? मैंने कहा ये सारे फतवे अगर आप मुंतबिक करेंगे तो फिर कोई मुसलमान बचेगा ही नहीं। तो क्या मुसलमानों की तादाद मुट्ठी भर हो गई है क्या? आटे में नमक के बराबर है। और जबकि मेरे आका ने बुखारी में वादे कर दिया कि मुझे मेरी उम्मत से शिर्क का खौफ नहीं है, मेरी उम्मत मेरा कलमा पढ़ने वाला शिर्क में मुब्तला नहीं होगा। नबी तो ये फरमाए, और जो उम्मती होने का दावा करे वो सबको काफिर और मुशरिक बना रहा है। कहते बस मुट्ठी भर है भाई, ये करो तो मुशरिक, मदार पे गए तो शिरक, या रसूलल्लाह बोला तो शिरक, ये क्या तो बिदअत है, ये क्या तो काफिर, बस कुफर शिरक कुफर शिरक कुफर शिरक, यही मशीन लगा हुआ है। गोया बटन इसका ऑन ही पड़ा होता है, ऑफ होता ही नहीं, थकता ही नहीं, और यही फतवा देते रहते कुफर से कुफर से। नबी ने कुछ और फरमाया, ये कुछ और कहता है, सुन ले हम तेरी बात नहीं सुनेंगे। बुखारी में जो मेरे आका का फरमान है उस पर हमारा ईमान है, उस पर हमारा ईमान। अब वो सर फेरा मिला, बार बार कुफर से कहने लगा। तो बात जब चलती गई आगे बढ़ी तो मैंने कहा कि भाई आप सजदा किसको करते हैं? मक्के शरीफ में जाए काबा सामने हो, सजदा किसको करते हैं? उसने कहा सजदा काबा को कर रहे। मैंने कहा तुफ है तेरी अकल पर, तू काबे को सजदा करता है, मैं खुदा को करता। मैंने कहा कभी से तो तू कुफर शिर्क के फतवे दे रहा था जो दर हकीकत कुफर और शिर्क नहीं थे, और जहां तेरे को समझना था कि सजदा तो अल्लाह के सिवा किसी को क्या नहीं जा सकता, वो काबा हो या कोई और हो, जब नबी को सजदा नहीं कर सकते तो काबा को कैसे करेंगे? इसलिए कि कसम खुदा की काबे की अजमतों का हम इनकार कर ही नहीं सकते, लेकिन जब बात आएगी मेरे मुस्तफा की तो कसम खुदा की, कसम खुदा की मेरे मुस्तफा काबे से हजार गुना हजारों गुना अफजल और बढ़ता रहे, हजारों गुना अफजल और बढ़ता रहे। ये बात ध्यान में रखेगा। तो सजदा ना नबी को हो सकता है ना काबा को होता है, बल्कि सजदा तो खुदा को होता है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है, काबा बड़ा अफजल है, बड़ा सुहाना है, बड़ा चमकता है, बड़ा दमकता है, उसकी अजमतें निराली है, शान निराली है, रहमतें बरसती है, करम की बरखा नादिल होती है। ए काबा तेरी शान बड़ी निराली है, तेरी अजमत बड़ी निराली है, तू एक अजीम है, तू एक अजीम है, लेकिन याद रख ले तुझसे अफजल और बढ़तर मेरे मुस्तफा की जात है, मेरे मुस्तफा की जात है। तो काबा बेशक अफजल और बढ़तर है, जब कंपेयर किया जाएगा मस्जिद अक्सा और काबा शरीफ को तो कसम खुदा की अफजल और बढ़तर काबा है, अफजल और बढ़तर काबा है। और अव्वल किबला काबा था, फिर बैतुल मक़दिस बना, और फिर अव्वल की तरफ हम लौट आए, और वो अव्वल काबा था, और फिर ऐसा किबला बन गया कि उम्मते मोहम्मदी को कह दिया गया सुन लो तुम्हारे नबी भी आखिरी है और तुम उम्मती भी आखिरी हो, और तुम्हारे लिए किबला भी वो है जो अब आखिरी है, और वही किबला रहेगा, वही किबला रहेगा, लाश वही किबला रहेगा। तो ये चंद बातें जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 की तर्जुमानी कर रही थी आपके सामने मैंने पेश की। अल्लाह ताला मुझको और आपको कुरान सही माना में
समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।